दोस्तों आज मैं शिफॉन साड़ी पॉलिश करूंगा, वो भी टेबल के ऊपर रख के। इससे पहले दोस्तों हमने किया था स्टैंड के ऊपर रख करके तीन आदमी के सहारे। आज दोस्तों हम करेंगे टेबल के ऊपर रख के, देखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, कागज का पाइप ले लिए हैं और इसमें दोस्तों छेद कर दिए हैं और इसमें रड फंसा दिए हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर चौड़ा सेलो टेप होता है दोस्तों, इसमें लगा करके यहाँ ये चिपका दिए हैं साड़ी को। देख लीजिए दोस्तों, इसमें चिपक गया है, देख लीजिए। अब दोस्तों अब इसमें देखिए साड़ी में डिजाइन है दोस्तों, बहुत सारा पूरे साड़ी में डिजाइन किया हुआ है, मोती है, थोड़ा बहुत पत्थर उत्थर का डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज इसको फटाफट टेबल के ऊपर रख करके हम ये करेंगे पॉलिश। तो इसको साड़ी को हम उल्टा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले साड़ी को उल्टा कर लेना है, इसे करके रख देना है। उल्टा कर लिए, अब दोस्तों इसको इस तरह से नीचे यहाँ रख दीजिए, इस तरह से टेबल का। टेबल को ऊपर रखने के बाद हमको दोस्तों सबसे पहले करना है पूरे साड़ी में स्प्रे, तब जाके रोल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट स्प्रे कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों लिक्विड भर लिए हैं साबुदाना। अब दोस्तों इसमें हल्का हल्का स्प्रे करके भिंगा लेना है, पूरे नहीं भिंगाना, हल्का हल्का भिंगाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके दोस्तों पूरे साड़ी को भिंगा लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट भिंगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें स्प्रे कर दिए हैं और स्प्रे हो गया है। आप दोस्तों इसको पॉलिश करेंगे, एक साइड में इस में घुमाना पड़ता है और इधर में दोस्तों हम देखिए दो आदमी का काम अकेले कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आज टेबल पर रख के पॉलिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों इस तरह से साड़ी को धीरे धीरे बैठाना है, एक साइड में कोई घुमाने वाला चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे रोल करेगा। और इधर में दोस्तों दोनों हाथ से आपको इस तरह से चौड़ा टानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तब जाके होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम धीरे धीरे, देखिए दोस्तों रोल होते जा रहा है और साड़ी कितना सिकुड़ाया हुआ था। इसके बाद रोल हो जाने के बाद सूख जाएगा, सूख जाने के बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों साड़ी जो है कितना सुंदर प्लेन हो गया है और इसमें शाइनिंग आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों डिजाइन इधर खत्म है, इधर डिजाइन है। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय आपको करना है दोस्तों एक काम। देखिए एक फुट ले लिए हैं दोस्तों, फुट को इसका यहाँ दे देना है, जितना दूर तक ये दोस्तों है डिजाइन उतना दूर तक ही, उतना बड़ा ही कुट। देखिए दोस्तों इसका अंदर में कुट डाल दिए हैं। अब दोस्तों फिर से इसको पॉलिश करेंगे। देखिए दोस्तों कुट देने के बाद ये फूलने लगा ऑटोमेटिक। देखिए दोस्तों यहाँ कूट दिए थे अंदर में, तो इधर ज़्यादा मोटा हो गया दोस्तों, इधर डिजाइन भी है जिस कारण दोस्तों पॉलिश करने में काफ़ी समस्या हो रहा है। तो इधर भी दोस्तों अब कूट देना पड़ रहा है, तब जाके प्लेन होगा। ये देखिए दोस्तों कूट दे दिए हैं। अब दोस्तों फिर से इसको हम पॉलिश करेंगे। अगर ये साड़ी दोस्तों प्लेन रहता, डिजाइन नहीं रहता, तो पॉलिश बहुत अच्छा होता और तुरंत होता। देखिए दोस्तों फिर से हम पॉलिश का काम शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे रोल करते जाना है, साड़ी अपने आप बैठते चला जाएगा। ये दोस्तों घूमते हुए यहाँ चले आता है आखिरी छोर में, तो इसको दोस्तों पकड़ करके दोनों साइड से आपको उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। रख दिए यहाँ दोस्तों, उठा रख दिए। अब दोस्तों फिर से रोल करना पड़ता है। देखिए दोस्तों आखिरी छोर में आ गया। फिर दोस्तों इसको अगर इस साइड में कोई एक आदमी पकड़ के रखता दोस्तों, तो ये नहीं भागता, टेबल पे रख के कर रहे हैं जिस कारण इधर उधर भाग रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे पॉलिश हो रहा है।
आपके दोस्तों यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देने से ये खुल जाएगा दोस्तों और पॉलिश ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मोटा मोटी 75% हुआ है अच्छा काम, इसके बाद सूखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कितना अच्छा हुआ है। अभी दोस्तों बांध देते हैं यहाँ पर बांध करके, तब दोस्तों इसको धूप में देंगे सूखने। तो चलिए दोस्तों फटाफट अभी बांध करके इसको धूप में दे देते हैं सूखने। टेबल पर रख करके पॉलिश कर लिए हैं, अब दोस्तों इसको धूप में देंगे। चलिए दोस्तों धूप में दे देते हैं, सूख जाने के बाद आपको वापस फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों शिफॉन साड़ी मेरा पॉलिश हो चुका है, सूख भी चुका है। अब दोस्तों इसको वापस इससे निकाल लेते हैं कागज़ के रोला से। ये देखिए दोस्तों ये कागज़ का है, यहाँ देखिए दोस्तों कागज़ है। अब दोस्तों इसमें से जहाँ जहाँ हम बांधे थे उस सबको खोल लेते हैं। चलिए फटाफट खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों कूट इसमें दिए थे कार्टून कूट, ये तो निकाल लिए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ हम सेलो टेप से दोस्तों यहाँ चौड़ा सेलो टेप से चिपका दिए थे। ये देखिए दोस्तों अब इसको जो है इससे वापस निकाल लेना पड़ेगा साड़ी को। सेलो टेप इसी में चिपका रह गया दोस्तों, साड़ी को खींच करके निकाल लिए। देखिए दोस्तों ये सेलो टेप है, अब इसको रख देते हैं। आप देखिए दोस्तों इसमें हम चिपकाए थे, इसमें किसी तरह का लट्ठा उठा कोई भी दाग नहीं लगा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए साड़ी दोस्तों कितना प्लेन हुआ है, नहीं हुआ सिकुराया हुआ था दोस्तों। अब देखिए यानी ये 75% अच्छा हुआ है डिजाइन, ये सब डिजाइन के कारण दोस्तों, डिजाइन के कारण इतना अच्छा नहीं होता है पॉलिश, बड़ा ही दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास इस तरह का साड़ी है, शिफॉन साड़ी में डिजाइन है, अगर पॉलिश करते हैं तो 75% दोस्तों अच्छा होगा। और वो भी अच्छा होगा कैसे, इसमें कूट वगैरह देना पड़ता है तब जाके अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए और भी दिखा देते हैं साड़ी कितना सिकुराया हुआ था, अब देखिए कितना ठीक हो गया है। देख लीजिए इसको कहीं कहीं सिकुराया हुआ है, जहाँ जहाँ कूट नहीं मिला है वहाँ सिकुराया हुआ है, और जहाँ पर दोस्तों कूट मिल गया है बराबर बैठ गया है। देख लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ देखिए दोस्तों हमने कूट दिया था, ये देखिए ये सब जगह एकदम प्लेन हो गया है, देख लीजिए दोस्तों। और ये जगह हल्का फुल्का सिकुराया हुआ है, ये जगह जहाँ डिजाइन है देख लीजिए। तो 75% ठीक होता है दोस्तों, और 25% जो है थोड़ा सा सिकुराया रहता है, जो कि इतना सारा डिजाइन है देख लीजिए, बहुत डिजाइन है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसको भांज कर लेते हैं, चलिए फटाफट भांज कर लेते हैं। दोस्तों सारी भांज कर लिए हैं, अब इसमें दोस्तों पेपर देना पड़ता है अंदर की तरफ, कोई भी पेपर दे दीजिएगा, हम छोटा दिए हैं, आप और भी लंबा दे सकते हैं, तो मेरे पास अभी छोटा ही था, ये तो दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। देने के बाद फटाफट भांज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों शिफॉन साड़ी भांज कर लिए हैं, अब दोस्तों इसको प्लास्टिक में पैक करके रख देंगे। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा, दो जन के साथ मिल के दोस्तों हमने साड़ी को पॉलिश किया है, और टेबल पे रख के, इस टेबल पर रख के दोस्तों हमने पॉलिश किया है। आपका ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल में सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।